2014 साली आपण जनाने निवडून दिलं तर आपल्याला वाटलं होतं जे ते बोलत होते सिलेंडरचा भाव वाटायला एक प्रधानमंत्री मिळालेला आहे गेल्यानंतर पाहिलं आल्यानंतर प्रथम त्यांनी काय याच्यामध्ये भारतामध्ये पाहिलं तुम्ही लोकशाही चायनाच्या माध्यमातून तुम्ही त्याचे एक वृत्त पाहिलेले शिवसेना की सब महिला आघाड़ी रास्ते पे उतरी है। सिर्फ बोरिवली दहिसर विभाग क्रमांक एक पे नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ये महिला आघाड़ी रास्ते पे उतरी है। किरीट सोमैया का जिस तरह से वीडियो कल लोगों के सामने आया हुआ है, अत्यंत क्या बोलते हैं उसको, गंदा, घृणास्पद, बहुत ही निचले स्तर का, निम्न स्तर का ये वीडियो है जो कोई भी महिलाएं देख नहीं पाएंगी। इस तरीके का ये वीडियो है जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, कभी आमदार कभी खासदार रह चुके हुए ऐसे, अगर किरीट सोमैया का ये वीडियो बाहर आ रहा है तो ये बहुत ही सोचने की बात है। भारतीय जनता पक्ष को कहीं पे अंतर्मुख होना जरूरी है। ब्रिजभूषण सिंह इनके खासदार, जिसके ऊपर महिला जो रेसलर है वो आरोप लगाती है लैंगिक शोषण का, उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। रिंकी बक्सला जो राहुल शेवाले के विरोध में आरोप लगाती है, उनकी एफआईआर हिंदुस्तान के किसी भी पुलिस स्टेशन में ली नहीं जाती है। श्रीकांत देशमुख जो भाजपा के पदाधिकारी है, उनके खिलाफ एक महिला पदाधिकारी फेसबुक ट्विटर पे आके खुद के लिए न्याय की गुहार लगाती है, उसके ऊपर कुछ कार्यवाही नहीं की जा रही है। और आज किरीट सोमैया खुद ऐसे अश्लील अवस्था में लोगों के सामने आए है। आज महाराष्ट्र की महिलाएं, भारत की महिलाएं भाजपा की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ, पंतप्रधान मोदी जी की तरफ अपनी आंखें लगाई बैठी है। क्या हमें न्याय मिलेगा? क्या इस हिंदुस्तान में जिसपे आप 2014-19 में लोगों को बोला था महिला सुरक्षित रहेगी, क्या हम सुरक्षित है? क्या आपकी भाजपा की कार्यकारिणी की महिला सुरक्षित है? ये आवाज और ये प्रश्न आज पूछने के लिए शिवसेना की सभी महिला आघाड़ी रास्ते